Hello everybody, Pragati here, and this video is about Fish Friday. As you can see, I am at my native place और समुद्र के बाजू में ही खड़ा हूँ. My native place is Midabaw in Konkan region of Maharashtra. Native place आने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको फ्रेश मच्छी मिलती है. ओके, तो अभी अभी बोट्स लगी हुई है, आप देख सकते हो पीछे, और मछली आई हुई है, तो देखते हैं आज क्या मिलता है. सो आज पापलेट और सुरमई तो है नहीं, बट वी आर गेटिंग बांगड़ा. तो आज हम लोग बांगड़ा फ्राई करेंगे, तो अभी हम लोग बांगड़ा परचेज करते हैं एंड देन वी विल गो टू आवर होम. अभी हम लोग मेरे घर पे पहुंच गए. मैं बावड़ी वीर. अभी ये जो बांगड़ा है इसको भी साफ करना पड़ेगा. जब भी हम लोग मुंबई में बांगड़ा लेते हैं तो वो जो कोइन रहती है वही साफ करके देती है, बट अभी हम लोग सिर्फ गांव में आए तो खुद ही साफ करना पड़ेगा. इसमें करा तो आप देख सकते हैं इसको कैसे है. उसके कल्ले हैं वो निकलने पड़ते हैं. जो आतड़ी है उसको निकाल दिया ऐसे. और उसको बेसिक कट लगा रहे हैं. और ऐसे करके हम लोग अभी सभी बांगड़ा को साफ कर लेंगे. तो अभी ये बांगड़ा साफ हो गया है, यू कैन सी उसको सब साफ कर दिया है. और अभी इसको थोड़े बांगड़े को हम लोग फ्राई करेंगे और बचे हुए बांगड़े के साथ हम लोग सार बनाएंगे. तो अभी ये बांगड़े रेडी है फ्राई करने के लिए और इसका सार बनाने के लिए. तो अभी हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं. अभी इसको थोड़ा नमक लगा के रख दिया है. सो इट्स टाइम टू फ्राई अवर बांगड़ा. तो उसके पहले ये बांगड़ा से हम लोग एक सार भी बनाते हैं, मतलब थोड़ा ग्रेवी बनता है जिसके साथ राइस खाया जाता है. ओके, तो आई विल जस्ट शो यू कि वो ग्रेवी कैसे बनता है. तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे तेल में ओनियन डाल के रखा है और यहाँ पे ये मसाला है. तो इसमें नारियल है, ओके, और इसमें लाल मिर्च है और धने हैं और थोड़ा सा कांदा है और लहसुन है. और इसको फिर मिक्सर में लगाया है. इसके अंदर थोड़ा पानी डाल देते हैं. तो ये इसको डाल देते हैं. अभी ये मालवणी स्टाइल से ग्रेवी बन जाएगा, मतलब जिसको सार बोलते हैं यहाँ पे. अभी इसके अंदर थोड़ा टाइम के बाद हम लोग फिश भी डाल देंगे तो इसको फिर टेस्ट आ जाएगा मस्त. तो अभी ये ग्रेवी को उकई आ गई है, मतलब ये गर्म हो गया है. तो अभी इसके अंदर हम लोग मच्छी डालते हैं. तो ये अभी दो पीस डाला है बांगड़े का. तो अभी ये तीन चार पीस डाल दिए तो इसकी वजह से ये ग्रेवी को मस्त की स्मेल और एक फील आ जाएगा फिश का. और इसके अंदर अभी नमक और कोकम डालना. तो अभी ये नमक डाल दिया और ये कोकम है. तो अभी ये चार पांच कोकम डाल दिया. तो अभी इसको ऐसे ही 10 मिनट गर्म करने के लिए रखना है. तो ये रेडी हो जाएगा. तो ये ग्रेवी हम लोग राइस के साथ खा सकते हैं. और अभी हम लोग ये बांगड़ा को फ्राई करेंगे मस्त पे. तो पहले ये जो बांगड़े के लिए जो मसाला है वो बना के लेते हैं. तो इसके अंदर पहले रवा और इसको लाल मिर्ची तिखड़ बोलते हैं जो लोकल एक मसाला है. ओके, तो उसके अंदर रवा और मसाला मिक्स कर देंगे और फिर उसको वो बांगड़े को लगा देंगे और उसके बाद उसको फ्राई करेंगे. तो अभी ये रवा ले लिया है. ओके, तो अभी इसके अंदर ये लाल तिखड़ डालेंगे. इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे. तो अभी ये ऐसा इसको मसाला लगा है फिश को.
फर्स्ट बांगड़ा फ्राई करने के लिए रेडी है। सभी सभी बांगड़े को लगा के दे देंगे। तब तक ये ग्रेवी यहाँ पे रेडी हो रहा है, मस्त गर्म हो रहा है। आई होप कैमरा कभी स्मेल कर पाता, बहुत बहुत खूबसूरत स्मेल आ रहा है इसका। तो भी ये तवा गर्म हो चुका है और उसके ऊपर हम लोग ऑयल डाल रहे हैं, और जैसे ही ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा वैसे हम लोग बांगड़े को फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे। ये थोड़ा गर्म हो रहा है तो वहाँ पे ग्रेवी भी रेडी हो रहा है, बांगड़ा फ्राई करना स्टार्ट कर दें। तो अभी ये बांगड़ा फ्राई होना स्टार्ट हो गया है और थोड़ा सा साइड से ऑयल डाल देंगे। तो अभी ये बांगड़ा फ्राई हो रहा है और वहाँ पे ग्रेवी भी रेडी हो रही है। तो वंस बांगड़ा फ्राई रेडी हो जाएगा तो आई विल टेस्ट इट और मैं बताता हूँ कि कैसे बनाए। तो ये बांगड़े अभी ऑलमोस्ट रेडी हो गए, मुझे यहाँ पे निकाल के भी रखे हुए हैं। एंड ऑल्सो ये बांगड़ा फ्राई भी रेडी हो गया है एंड इट्स टाइम टू ईट दिस बांगड़ा फ्राई। बांगड़ा फ्राई बहुत ऑसम बना है, बहुत खत्म है। और थोड़ा खा लेता हूँ, बहुत अच्छा बना यार। तो अभी इट्स टाइम टू ईट दिस बांगड़ा फ्राई और अभी थोड़ा राइस के साथ मैं फिश करी भी ले लेता हूँ और मस्त पिकी दबा के खाना खाता हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो अबाउट बांगड़ा फ्राई एंड बांगड़ा करी सो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट। थैंक्स अ लॉट।